तो बेला नाम का एक शिष्य था, वो घोड़ों की सेवा करता था। एक दिन दशमेश गुरु जी गए, देखा भाई बेला वहां घोड़ों की सेवा कर रहे थे। कहने लगे कि अरे भाई, घोड़े तो तूने बहुत अच्छे बना रखे हैं, इनकी अच्छी सेवा करता है, नलाता दलाता है, खूब इनको अच्छा खिलाता है, ये बता तू इनको कितना क्या क्या डालता है। बोला जी मुझे तो ये तो पता नहीं, मैं तो अंजली भर के डाल देता हूँ इनको, जो जो भी दाना वगैरह खिलाना होता है वो। बोला भाई ये तो तू नाप तोल के डाला कर। बोला जी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मुझे हिसाब आता नहीं। भोला जीव था, कहने लगा कोई बात नहीं, तू बेला मेरे पास आ जाना, मैं तुझे रोजाना एक तुक बताऊंगा और तू धीरे धीरे करके पढ़ जाएगा, इस बात का धोखा ना रख के भाई मैं अनपढ़ हूं। बोला जी ठीक है। जिसके दिल में सच्चाई होती है लेने की, जिसकी इच्छा होती है, वो कहीं भी और कैसे भी ले सकता है। जब तुम सच्चे होके चलते हो, प्रकृति तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल देती है। तुम्हारा कोई भी साथ देने वाला नहीं, लेकिन जब सच्चे बन के अकेले भी लगोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ लग जाएगी। हमारे देश में अनेक उदाहरण है, गांधी जी जैसे देखो, देश की आजादी के लिए कितने लोग उनके साथ थे। सुभाष चंद्र बोस को देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखो, सरदार भगत सिंह को देखो, चंद्रशेखर आजाद को देखो, कितने लोग थे जब वो चले उनके साथ में। लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूती के लेके, दिल में ताकत लेके और चले, तो अपने कामयाबी उनको इतनी मिली कि सब कुछ उनके पीछे हो लिया। कुदरत भी उनका साथ दिया करती है। जो आदमी सच्चे बनके जिस चीज में पूरी लगन से लग जाते हैं, तो उनको हर प्रकार से इमदाद और मदद मिला करती है कुदरत की तरफ से। भाई बेला रोजाना गुरु महाराज के पास जाने लग गया, एक तुक उनको रोजाना बता देते, पूरा दिन उसी को रटता। हम नाम ले लेते हैं, नाम का हमें पता ही नहीं, दो चार पांच साल के बाद में बल्कि आके यूं और कह देते हैं जी मैंने वो नाम लिया था, वो नाम तो मैं भूल गया, नाम के था वो ही फिर बता उसको, मैं दोबारा बैठ जाऊं। जिस आदमी को ये भरोसा तक नहीं है कि पहले नाम क्या बताया था, नहीं जी मैंने दो तीन जगह पहले नाम ले रखे, आप दोहरे फिर ले लो। नाम कोई तमाशा नहीं है, नाम तो गुरु की अगर दृष्टि पड़ती है उसी टाइम तुम्हारी रूह को ऊपर पहुंचा देते हैं। गुरु की दृष्टि में वो ताकत होती है, वचन में ताकत होती है, उनके इशारे में ताकत होती है। गुरु की बातों को समझता और जानता कौन है। यूं ही गुरु 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 करने से कोई पार नहीं उतर जाता। जो शब्द कबीर साहब का था, जिन पर सतगुरु है दयाल वहां घर काए की कमी, लेकिन गुरु दयाल किस पर होगा? जो दया का पात्र होगा उसी पे होगा, कुपात्र पर गुरु क्या दया करेगा? गुरु से चाला क्या करते हो? गुरु से के सामने होशियारी दिखाते हो, बताओ गुरु उस पर उसको पात्र समझेगा? छलनी के अंदर कोई चीज नहीं रुका करती, छलनी में अगर कोई चीज डालोगे नीचे बह जाएगी, क्योंकि उसमें छेद भरे हैं। अगर रोकना चाहते हो तो छेदों को पहले बंद कर दो, फिर उसमें कोई चीज डालो रुक जाएगी। इसी प्रकार से हमने हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में अनेक छेद ऐसे कर लिए हैं कि जिनमें से बही जा रही है सारी चीजें, जो डालते हैं वही निकल जाती है। पहले उन छेदों को बंद करो, वो छेद हैं बुराइयां, विषय, विकार, उनको जब तक हम नहीं निकालते हैं तब तक उसमें कुछ हासिल होने की बात नहीं। करते करते बीतते रहे दिन, एक तुक रोजाना उनसे ले लेता, रोजाना उसको पूरा दिन करता रहता, जवान से रटता रहता। दूसरे उसके साथी थे वो भी हंसते, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि गुरु महाराज ने जो मुझे बताया वो मंत्र है, तुम्हें क्या पता। एक दिन क्या हुआ कि युद्ध में की तैयारी होगी, गुरु साहब
घोड़े पे सवार होके युद्ध के लिए चल दिए तो उसका टाइम नहीं हुआ था, उसने देखा कि गुरु साहब तो जा रहे हैं, तेरी तुक तो आज बाकी रही। भोला था, उसको ये नहीं पता कि युद्ध में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, भागा हुआ गया। ये भी नहीं पूछा कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन जाके कहने लगा कि गुरु महाराज प्रणाम। बोले हाँ भाई बेला। बोला जी वो तुक दस जाओ, मैनू जाना है तो, कि अगर आप चल जा रहे हो तो मैंने तुक दस जाओ। गुरु साहब उसका भोलापन देख के बोले कि बेला रा गिने ने गेला। उसने सोचा कि तुक बता दी, मुड़ लिया वापिस। पूरा दिन करता रहा कि बेला रा गिने ने गेला, बेला रा गिने ने गेला। घोड़ों की सेवा करता रहा। दूसरे साथी बोले भाई बेला आज क्या कह रहा है तू ये? बोला गुरु साहब ने मुझे तुक यही बताई है कि बेला रा गिने ने गेला। युद्ध से वापसी हुई, वापसी में जब आए गुरु साहब से जाके हाजिर होके कहने लगे कि जी देखो आपने उसको क्या बताया कि वो तो कोई बात ही नहीं कहता है कि बेला रा गिने ने गेला। बोले कि उसको क्या बता के गए, ये भी कोई बात हुई? वो मानता नहीं है किसी की भी। ये बात जब गुरु साहब के सामने कई संगत बैठी हुई थी, गुरु साहब ने उस पर दृष्टि डाली और उसी टाइम उसने अनुभव वाणी बोलनी शुरू कर दी। जब वो अनुभव की वाणी सुनी तो आगे बैठने वाले थे ने बिल्ला डालने वाले सब ने नीचे गर्दन कर ली। बोले कि ले ये अनपढ़ कल आया था, ये तो इतनी ऊंची अनुभव वाणी बोलने लग गया, आध्यात्मिक मंडलों की बातें करता है, और हमें इतने दिन हो लिए रहते हैं गुरु महाराज के पास, इनसे पहले नाम लिया था, सेवा करते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, बोले हमारा कुछ हुआ ही नहीं। गुरु महाराज नहीं बोले। अगले दिन जब आए तो नीची गर्दन करे बैठे सब के सब। गुरु महाराज कहने लगे अरे भाई आज एक काम करो। बोले हाँ जी। बोला कि भांग गोटो आज, सबसे भांग उठवाई, भांग उठवा के कढ़ाए भरवा दिए गए। जब गुटके तैयार होगी तो आके कहने लगे गुरु महाराज वो भांग जो गुटवाई थी आपने वो सारी तैयार हो चुकी है। बोला ऐसा करो सारे के सारे कुरला करो, उससे कुरला करो, सब उसमें कुरला ले फेंक दे, नीचे कुरला ले फेंक दे, सावरी की सारी वो खत्म कर दी, सारी खत्म कर दी। कहने लगे जी वो तो सब खत्म होगी। बोले हैं ये क्या हुआ भाई, सारी खत्म होगी और तुम आराम से बैठे हो? बोला जी आराम से का मतलब कि इतनी भांग उठवाई थी, इतनी भांग पीने के बाद में तो तुम्हें नशा हो जाना चाहिए था। बोला जी हमने पी थोड़ी थी, कुरले कर करके फेंक दी थी, आपने ऐसा ही हुक्म दिया था। बोला इसी तरह से तुमने नाम को भी कुरले करके फेंक दिया, ये बेल आई था जिसने एक घूंट अपने अंदर जाने दी है, इसीलिए इसने वो अनुभव वाणी बोलनी शुरू की है। नाम में दोष नहीं है, नाम छोटा बड़ा नहीं है, नाम तो वो ताकत है कि जो इसको सच्चे मन से अगर एक बार भी याद कर ले तो भी ये आपके लाखों कामों को संवार देगा। राजा जनक ने थोड़े से समय के लिए जब नरक के पास से गुजरे थे और नरक में जो जीव पड़े हुए थे चिल्ला रहे थे, नरक को खाली कर दिया था एक घड़ी के स्मरण से। सिर्फ हम तो ध्यान की अभ्यास की बातें करते हैं, ऊंचे मंडलों की बात करते हैं रात दिन, सेखी बघारते हैं कि मेरी सुरत वहां गई, मैंने वो धुन सुनी, मैंने वो गुरु का रूप देखा। अरे गुरु का रूप जिस दिन देख जाओगे उस दिन गुरु से बिछुड़ना ही नहीं चाहोगे। स्वामी जी महाराज ने नहीं लिखा है कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन्हें सहारा। वो रूप जब तक गुरु सहारा नहीं देता तब तक कैसे लखोगे? वो रूप देखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नाम की कमाई करनी पड़ती है। नाम में जब तक तुम्हारी तवज्जो नहीं रुकती है, उसको मेडिटेशन कहते हैं, कोई ध्यान का केंद्रित करना कहते हैं, कोई उसको
मन की वृत्तियों को रोकना कहता है, कोई उसको श्वास के द्वारा ऊपर चढ़ाने की क्रिया को अपनाते हैं। परमात्मा को हासिल करने के लिए और दूसरी कितनी क्रिया, ये तो संत मत की आपके ऊपर बड़ी मेहर है कि जो सहज योग आपको बताता है, श्रोत शब्द का योग। नहीं, कोई जल में खड़ा आदमी भक्ति करना चाहता है, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई अग्नियों में तपता है, कोई धोती नेती बस्ती करता है, कोई चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी करता है, कोई त्राटक का ध्यान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कितने कितने कष्ट झेलते हैं, कोई खड़ा तपता है, कोई कुछ इतने इतने कठिन तप करते हैं, हट करते हैं, मौन करते हैं, लेकिन मिलता क्या है उनमें? संतों ने उन कष्टों से भी बचाया, सही सीधा और सुगम मार्ग बताया, घर में रह के सारे काम करते हुए आराम से सूरज शब्द का योग समझाया, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज बताई वो ही हम नहीं करते हैं तो उसके उन ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे? घरों में माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, संस्कार हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाए हमने, छोटे बड़े की इज्जत कदर नहीं करते हैं, जबान से गंदे मंदे हम बोलते हैं, शरीर से हम बुरे कर्म हम करते हैं, मन में हम द्वेष ईर्ष्या निंदा हमारे भरी पड़ी है, हमारे पास कुछ धन दौलत है उससे हम किसी का परोपकार का कोई काम भी नहीं करते, ना कोई दान पुण्य करते, फिर कल्याण का रास्ता कैसे हमारा खुलेगा? संत सतगुरु इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को तुम सुधार के रास्ते पे लेके आओ, चरित्रवान बनो, बुराइयों को त्यागो और अच्छाइयों को अपनाओ। जब आपके अंदर अच्छे गुण हो जाएंगे फिर अपने आप रास्ता वही रह जाएगा, दूसरा रास्ता ही बंद है। दो ही रास्ते हैं, जो एक नरकों की ओर जाता है और एक मुक्ति की ओर जाता है। स्वर्ग वगैरह विष्णुपुरी इंद्रपुरी ये सुख के जो ठिकाने हैं ये रास्ते में ही रह जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में जाने के बाद में आदमी को कोई किसी प्रकार का ऊंचे नीचे दर्जे का ज्यादा कम का या सुखों के भी जो अलग अलग पद बनाए गए हैं उनका लालच नहीं रहता। अगर सुखी ये जीव होता है तो अपने ही घर में जाके सुख पाता है, और इसका निज घर कहाँ है? सतपुरुष के चरणों में है। सतपुरुष से रूप बिछुड़ के आई थी और करणी करके गुरु के माध्यम से गुरु के बताए मार्ग पर चल के ही ये अपना कल्याण कर सकती है। कबीर साहब ने कहा ना कि जब तक मानू ना गुरु के बैना तब तक देखो ना अपने नैना। गुरु के वचन बैन को जब तक नहीं मानोगे तुम अपनी नैनों से नहीं देख सकते। गुरु वचन को जिसने मान लिया और जो गुरु वचन को त्याग गए दुख पावे पाते के लागे जानन सारज शेष गुरु की माया। जो गुरु के वचन को त्याग देता है, अनदेखी करता है या उसमें किसी भी प्रकार की वो लापरवाही करता है, चतुराई बरतता है, तो यूं समझो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ा खुद मारता है। दूसरे को दोष ना दो, कोई यहां किसी का साथी नहीं है। हाँ, ये हमारे फर्ज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा, अपने फर्ज को पूरा करना पड़ेगा। ये कर्म हम करके आए, हमारा लगाव जुड़ा हुआ है भाई बंधों से, पुत्र पुत्रियों से, जमाई से या रिश्ते नातेदारों से, जिन जिन के साथ भी हमारे ये संबंध जुड़े हैं उनसे हमें कुछ न लेना देना है। और जब तक वो लेना देना हमारा लगा रहेगा, संसार में आना जाना लगा रहेगा, वो लेना देना हमें पूरा करना चाहिए, इसी जीवन में करके जाना चाहिए। इसीलिए संतों ने खोल के बताया है कि अपने सिर पर कर्जा भी ना लेके जाओ, कर्जा भी चुकाते जाओ। कर्जा कब चुकाओगे? जब घर में रहोगे। अगर गृहस्थ त्याग दिया, त्यागी होके चले गए, तो वो कर्जा तो तुम्हारे सिर पर यूं का त्यों है, वो कर्जा जब तक नहीं भोग लिया जाएगा फिर संसार में वापिस आना पड़ेगा। उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए उसकी पाई पाई इसी जीवन में चुकाओ पहले, और वो जब चुका दोगे
अपने नाम की कमाई साथ साथ करते चले जाओगे, तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जब अंत वक्त आएगा तो तुम बरी होगे, तुम्हारे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट मिलेगा सतगुरु से। जब नो ड्यूज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सारे दरवाजे खुले, कोई नहीं रोक सकता। जब तक नो ड्यूज नहीं मिलेगा ना कि भाई इसके जिम्मे कोई नहीं है, काम शेष नहीं है, कोई और कर्जा नहीं है, ये सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता, संसार में आना जाना नहीं छूटता है। तो प्रेमियों, सत्संगों में जाते हो, अपने हृदय के दरवाजे खुले रखो, कानों को खुले रखो और नेत्रों को खुले रखो। नेत्र से गुरु के दर्शन करके मन को एकाग्र कर दो। ये नहीं कि रेल आ रही थी तो सुनते ही नजर भी उधर गई और मन भी उधर गया और खड़े होके देखने लगे। रेल देखी नहीं क्या कभी? अपने ध्यान को जब समझना, रेल तुम्हारे ऊपर से भी उतर जाए तो भी ये नहीं पता चले कि रेल गई कि नहीं गई। कबीर साहब ने नाम को इस तरह सार्थक करके दिखाया था। जब खूनी हाथी को छोड़ा गया ना, खूनी हाथी उसकी तरफ, कबीर साहब की तरफ नहीं, उल्टा भागता, क्योंकि कबीर साहब का शेर का रूप दिखाई दिया उसको। जब उनको लोहे की जंजीरों में बांध के शेख तकी ने उसको दरिया में गिरवा दिया कि देखूंगा अब कैसे बचेगा। लोहे की जंजीरों में कबीर साहब को बांध के जब जल में गिरवा दिया, क्या देखता है कि कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए बाहर आ रहे हैं। कहां जंजीरें और कहां वो है। सिकंदर लोदी देख के कहने लगा कि बोला अब शेख तकी तू क्या कहता था, ये खुदा है। बोला कि नहीं, ये कोई हुनरबाजी है, इसकी चालाकी है, मैं जानता हूं, इसको मैं सीधा करके जरूर छोड़ दूंगा। अरे ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया फिर भी यकीन नहीं हुआ, वो और क्या हुए। ऐसे लोग नुगरे हुआ करते हैं, वो चालाकीर चतुराई में बरतते, उनका कभी कल्याण नहीं होता। यहां तो ये काम है श्रद्धा का, यकीन का, विश्वास का। जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसने बात सुनी पक्की अपने दिल में रख ली, लेकिन दिल के दरवाजे खुले होने चाहिए। दिल के दरवाजे बंद करके मत बैठो।